जय हिंद साथियों। साथियों यदि आपको उत्तर प्रदेश से बीटेक, बीफार्मा, एमबीए, एमसीए या बीएचएमसीटी करना है तो इस बार जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से चेंज हो गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो इन कोर्सेज के लिए जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो किस तरीके से रहने वाली है, कौन सा आपको एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल करना है, क्योंकि इस बार एकेटीयू का एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो रहा है, यानी कि एकेटीयू इस बार एग्जाम कंडक्ट नहीं करा रही है। अब नहीं करा रही तो एडमिशन की प्रक्रिया आपको किस तरीके से रहने वाली है, आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किससे आपको बेनिफिट होने वाला है, तो पूरी वीडियो में एक एक पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इसमें हम बात करते हैं यानी कि यूपी में यदि आपको एडमिशन लेना है किन किन यूनिवर्सिटी में, एकेटीयू यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि कहां पर है, लखनऊ में है, इससे जुड़े हुए यानी कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा कॉलेज है टेक्निकल के वो एकेटीयू के हैं, तो उनमें यदि आपको एडमिशन लेना है, या फिर आपको एच बी टीयू जो कि कहां पर है, कानपुर में है, या फिर आपका एमएमयूटी ये कहां पर है, गोरखपुर में है, यानी कि इन तीनों यूनिवर्सिटी में या इनसे जुड़े हुए कॉलेज में यदि आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए इस बार एंट्रेंस एग्जाम कौन कंडक्ट करा रहा है भैया, एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इस बार जो इनके एग्जाम के एंट्रेंस एग्जाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो दी गई है एनटीए को। अब एग्जाम का नाम क्या रखा गया है, यूपी कैट। क्या रखा गया भैया, यूपी कैट यानी कि उत्तर प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021 आपको ये एग्जाम देना होगा। अब इस एग्जाम को फिल करने की जो डेट है वो भी बहुत जल्द समाप्त होने वाली है, तो वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। अब इसमें किस किस कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा, बीटेक के लिए, बी फार्मा के लिए, बीएचएमसीटी, एमबीए, एमसीए, और भी कोर्सेज हैं जैसे आपका बीएफए हो गया, बैचलर इन फाइन आर्ट हो गया, और भी काफी सारे कोर्सेज हैं, जो मेन मेन कोर्सेज हैं वो मैंने आपको ये बताए हैं। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि जो आपको फॉर्म फिल करना है यानी कि जो फॉर्म फिल करना है वो किस तरीके से करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो साथियों यहाँ पर भी जैसे मैंने आपको बताया अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स हैं आपके बी फार्मा हो गया, बी एच एम सिटी हो गया, यहाँ पर आपका बी वॉक के कोर्सेज हो गए, बी एफ ए हो गया, बी एफ ए डी हो गया यानी कि जो डिजाइनिंग के लिए होता है, एम सी ए हो गया, और भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं आपका एम बी ए हो गया, एम सी ए हो गया, बी बी ए हो गया, तो इन कोर्सेज के लिए बी टेक हो गया, डिप्लोमा हो गया, यदि आपको इन कोर्सेज के लिए क्या करना है, एडमिशन लेना है, तो इनके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम देना होगा किसका देना होगा, आपको इस बार यूपी कैट का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। अब जैसे कि यहां पर बीटेक के लिए आपको देना है, जिन बच्चों ने 12th अपना लास्ट ईयर कर लिया था कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आपने इस बार 12th आपने किया है यानी कि अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि आपको भी एडमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, जो पास है वो तो भर ही सकते हैं, और जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं जिनका इस बार अभी रिजल्ट आने वाला है तो वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट है भैया, नेक्स्ट इसमें जो आपका पीजी कोर्स है उसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए भाई। यदि आप इस बार फाइनल ईयर में हैं, यदि आपको जैसे एमबीए में एडमिशन लेना है तो आपने अपने ग्रेजुएशन के यदि फाइनल ईयर में है तो भी फिर भी आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर आपने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो फिर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इधर आते हैं यहाँ पर भैया, ये मैंने आपको बता दिया किस किस के लिए भैया, एकेटीयू लखनऊ और एच बी टी यू कानपुर, एम एम यू टी गोरखपुर, इनके लिए आपका टेस्ट होना है, और कौन सा टेस्ट होना है यूपी कैट का। अब इसमें बात करें कि एप्लीकेशन की जो डेट है यानी कि एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो बहुत जल्द खत्म होने वाली है, यानी कि लास्ट डेट क्या है भैया, 20/6/2021 है। क्या है भैया, 20/6/2021। तो साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएं जिससे कि वो अपना फॉर्म फिल कर सके, क्योंकि फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो बहुत जल्द खत्म होने वाली है। क्या है, 20/6/2021। ये फॉर्म जो भरने स्टार्ट हुए थे वो हुए थे आपके 1 अप्रैल 2021 से। अब इसके बाद में जो यहां पर फीस है यानी कि जो आपकी फीस जो कितनी जानी है, इसको फॉर्म को फिल करने में जो फीस जाएगी जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, वो कितनी जाएगी भैया, 1300 रुपए। यानी कि जर्नल में कैटेगरी में आते हैं आप या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, तो आपकी कितनी फीस जाएगी, 1300 रुपए। यदि आप एससी एसटी या फिजिकल हैं तो आपकी फीस जाएगी आपकी 650 रुपए, यानी कि आधी। यदि आप यानी कि जितनी भी कैटेगरी है, चाहे वो आप जर्नल हो, एससी एसटी, ओबीसी, कोई भी कैटेगरी है,
यदि उसमें फीमेल कैंडिडेट है, यानी कि फीमेल के लिए क्या है भैया, फीस आधी है, यानी कि ₹650, उसमें चाहे वो जनरल है, एससी एसटी ओबीसी कोई भी कैटेगरी है। अब इससे आगे बात करेंगे कि आपको फॉर्म फिल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। साथियों, लास्ट ईयर सक्षम एजुकेशन की तरफ से, सक्षम एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से लगभग हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई थी, जो कि गवर्नमेंट से अलग होती है। जो गवर्नमेंट को आपको स्कॉलरशिप मिलती है वो अलग रहती है, और जो सक्षम एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से मिलती है वो स्कॉलरशिप अलग रहती है। तो यदि आप भी चाहते हैं सक्षम एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से स्कॉलरशिप लेना, तो उसके लिए मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसमें आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी तरह का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो साथियों, आगे बात करते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो साथियों, यहाँ पर सबसे पहला है भैया, जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है वो कौन करा रहा है भैया, एनटीए करा रहा है। कौन करा रहा है भैया, एनटीए करा रहा है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रहा है। और इसकी जो फॉर्म फिल करने की पहले जो लास्ट डेट थी वो थी 31 आपकी अप्रैल, यानी कि 30 अप्रैल लास्ट डेट थी पहले, 30 अप्रैल, अब बढ़ा के कितनी कर दी गई है भैया आपकी 20 जून, 20 जून तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो अप्लाई आप करेंगे, तो इसमें अप्लाई करने के लिए के जी एज, एज की क्राइटेरिया क्या है, एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी किसी भी एज तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसमें एज का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आप फॉर्म फिल करें, यानी कि जब आप फॉर्म फिल करें तो फॉर्म को एक बार अच्छे से रीड जरूर कर लें, यानी कि अपना जो नाम है, जो भी स्पेलिंग वगैरह कोई मिस्टेक तो नहीं है, यानी कि उसको जरूर देख लें। नेक्स्ट है आपका, उसका एक प्रिंट अवश्य रख लें, यानी कि प्रिंट लेकर रख लें, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप फिर बाद में भूल जाते हैं, तो उसके लिए एक प्रिंट आपके पास होना चाहिए। यहां पर जैसे मैंने आपको बताया नो एज लिमिट, एज लिमिट आपकी कोई भी नहीं है, ऑल पीजी और यूजी कोर्सेज के लिए, यूजी और पीजी दोनों के लिए एज लिमिट कुछ नहीं है, आपको कोई भी एज का कैंडिडेट इसको फॉर्म को फिल कर सकता है। तो साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइए, जिससे कि वो अपना फॉर्म फिल कर सके, अपना एडमिशन ले सके। और जैसे जैसे कोई और अपडेट आती है, तो उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूं इसी चैनल पर। तो यदि आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।